हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं फ्लिपकार्ट चला रहा था और मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ड्राई फिश अवेलेबल हुए। अगर फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है तो पूरा भारत में ये बट रहा होगा। इस तरह का चीज़ सिर्फ समुंदर के किनारे मिलती है। इसका टेस्ट फिश से थोड़ा अलग रहती है, लेकिन ये काफ़ी टेस्टी रहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया गया, फिर उसके ऊपर में जीरा डाला गया। दोस्तों याद रखना कि हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करना, रिफाइंड और सनफ्लावर तेल में थोड़ा स्मेल आती है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। दोस्तों हम चूल्हे में बना रहे हैं, आप चाहो तो गैस में भी बना सकते हो। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को भूनने देंगे। प्याज का कलर रेड होने तक हम इसको छोड़ देंगे। दोस्तों फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और धनिया पाउडर और डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। और आप चाहो तो दूसरा मसाला भी डाल सकते हो। दोस्तों हमारे एरिया में इस ड्राई फिश को सुखुआ बोला जाता है, आपके एरिया में क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये दो तरह के अवेलेबल है, एक होता है सॉल्टी और दूसरा होता है नॉर्मल फिश। दोस्तों आज हम यहाँ पर सॉल्टी ड्राई फिश को बनाने वाले हैं। इसको कढ़ाई में डालने से पहले इसको अच्छे से धो लेना है, ऊपर वाला हिस्सा को अच्छे से धो के निकल लेना है। दोस्तों इसको कढ़ाई में अच्छे से फ्राई करेंगे, नहीं तो इसका स्मेल आएगा। दोस्तों ड्राई फिश दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल सी फिश और दूसरा होता है उसका सॉल्टी सी फिश। दोस्तों नॉर्मल जो सी फिश होता है ना, वो ड्राई फिश को आप आग के ऊपर में डाल के भी खा सकते हो, लेकिन जो सॉल्टी सी फिश होता है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ तेल में ही बना के खा सकते हो, बाकी दूसरा वे में नहीं खा सकते। ड्राई फिश का एक तरफ हो जाने के बाद हम इसको पलट देंगे, जैसे कि दूसरा वाला हिस्सा भी उसका हो जाए। अब बारी है उसमें मसाला डालने की। इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला हुआ है और उसमें हरा मिर्च भी है, आप अपने हिसाब से हरा मिर्च डालना। अभी हम इसमें ऐड करेंगे छोटा छोटा कटा हुआ आलू। आलू का पीस पूरा छोटा रखना। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें हमको नमक नहीं डालना है, क्योंकि इस बनाया जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नमक डाला जाता है इसमें। दोस्तों अभी सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को भूनने देंगे। दोस्तों 4 से 5 मिनट तक हम इसको बनने देंगे। और इसमें समुंदर की मछली से बहुत ही ज़्यादा तेल निकलता है, हमने थोड़ी सी तेल डाला था और उसमें से बहुत ज़्यादा तेल निकल रहा है। अभी इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे जीरा स्मेल के लिए और उसके बाद डाल देंगे मिर्ची। मिर्ची अपने हिसाब से डालो और ये लगभग हमारा बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों इस तरह का रेसिपी आपको कैसा लगा? इस तरह का वीडियो तो मैंने कभी यूट्यूब में नहीं देखा था, ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। और इस तरह का फिश क्या कभी आपने खाए हैं इसको कमेंट करके भी बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस तरह का रेसिपी हमारा घर में माँ बहुत ही ज़्यादा बनाती है और इसलिए मैं इसको बनाया। दोस्तों आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।